और अलीगढ़ पहुंची है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यूपी के अलीगढ़ पहुंची है राहुल गांधी की न्याय यात्रा। प्रियंका गांधी भी न्याय यात्रा में शामिल है। तो ये बड़ी खबर है, यूपी के अलीगढ़ पहुंची राहुल की यात्रा, प्रियंका गांधी भी न्याय यात्रा में शामिल। देखिए उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है राहुल गांधी की न्याय यात्रा और अब अलीगढ़ पहुंच चुकी है। अलीगढ़ में प्रियंका भी न्याय यात्रा में शामिल। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल। इससे पहले मुरादाबाद में फिर से आगाज और प्रियंका गांधी और सपा कार्यकर्ता भी उस मौके पर शामिल हुए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ के बाद जो दूसरे पड़ाव में होगी तो वो होगा राजस्थान। फिलहाल अलीगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा। और देखिए प्रियंका भी उनके साथ में नजर आ रही हैं और यहाँ देखिए कार्यकर्ताओं के साथ में राहुल गांधी बातचीत करते नजर आ रहे हैं। जो भी लोग यहाँ न्याय यात्रा में जुड़ रहे हैं राहुल गांधी की, उनके साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से एक बड़ी खबर, अलीगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा का विरोध। अलीगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा का विरोध, एएमयू के छात्रों ने किया भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विरोध। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विरोध हुआ, छात्रों को राहुल गांधी से मिलने के लिए बुलाया। छतारी, यात्रा को संभाल नहीं पा रहे राहुल गांधी, छात्र कह रहे हैं। देश क्या संभालेंगे राहुल गांधी, एएमयू के छात्र कह रहे हैं कि अपनी यात्रा नहीं संभाल पा रहे हैं, देश को क्या संभालेंगे राहुल गांधी। अलीगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा का विरोध, एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विरोध किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विरोध किया, छात्रों को राहुल गांधी से मिलने के लिए बुलाया। छतारी, यात्रा को संभाल नहीं पा रहे राहुल गांधी। विक्रम राणा मेरे साथ जुड़े, विक्रम क्या जानकारी है, छात्रों की नाराजगी क्यों? देखिए मैं आपको बता दूं कि एएमयू के जो छात्र थे वो राहुल गांधी ने मिलने के लिए बुलाए थे, लेकिन जब वो बुलंदशहर के छतारी में उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो वहां जो उनके सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने जब उनसे कहा कि राहुल गांधी ने हमें मिलने के लिए बुलाया है, तो उनके सुरक्षाकर्मियों ने कहा कि राहुल गांधी जी ने आपसे मिलने से इनकार कर दिया है। तो उन लोगों ने वहां पर फिर वहां प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि आप लोग यात्रा को संभाल नहीं पा रहे हैं और देश को क्या संभालेंगे, अगर योगी जी और उनकी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था ना होती तो आपकी यात्रा कैसे निकल पाती, और आप आइए अलीगढ़ और अलीगढ़ में हम आपको काले झंडे दिखाएंगे और आपका विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, ये कहा जी। ये देखिए ये वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जहां पर नाराजगी सामने आई, क्योंकि ये छात्र यहां मिलने पहुंचे थे राहुल गांधी से। इनका कहना था कि इनको न्योता मिला, लेकिन जब यहां पर मिलने पहुंचे तो जो सिक्योरिटी थी उन्होंने रोकने से, उनको मिलवाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आपसे नहीं मिल रहे हैं, जिसके बाद इनकी नाराजगी बढ़ने लगी और उन्होंने कहा कि अगर योगी सरकार की पुलिस ना होती तो फिर आपकी ये यात्रा चल तक ना पाती, आप एक यात्रा नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप देश को क्या संभालेंगे, छात्रों की नाराजगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल और मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हैं। इसके बाद राहुल गांधी का कोई रिएक्शन या राहुल गांधी तक ये बात पहुंची थी, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है अभी? विक्रम आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए शायद आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त मुरादाबाद से, दूसरे चरण के साथ में आगाज हुआ न्याय यात्रा का। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी नेता प्रियंका गांधी यात्रा के दौरान खुली जीप में सवार होकर निकले तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये तस्वीरें भी आप लोग देख रहे हैं और लोगों ने उस मौके पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी हाथों में पार्टी का झंडा लेकर राहुल गांधी के साथ चलते हुए नजर आए। और अब एक बार फिर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलीगढ़ की तस्वीरें जहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। और इस बीच नाराजगी भी कुछ एएमयू के छात्रों के सामने आई जिनको राहुल गांधी से मिलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आप अब यात्रा नहीं संभाल पा रहे हैं, देश तो आप क्या ही संभालेंगे। अब देखिए आगरा, अब इसके बाद होगी आगरा जो नेक्स्ट पड़ाव होगा, फिर राजस्थान के धौलपुर में प्रवेश कर जाएगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। इसके बाद 26 फरवरी से 1 मार्च तक मात्रा में यात्रा में विराम रहेगा और राहुल गांधी 27-28 फरवरी को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 2 विशेष व्याख्यान दे पाएं।